हेलो राज। हाँ बेबी बोलो। हाँ मैं फ्लैट पे पहुँच चुकी हूँ। वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट तो है ना सही से? हाँ एसी फैन पंखे सब तो लगवा दिए हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है। अरे बेबी कोई दिक्कत है तो फ्लैट के ओनर को फोन कर लो ना। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा। ओके तो फिर सही है। और आज से शिफ्ट हो जाओगी ना? वैसे आज मैं हूँ यहाँ पे, कल निकलूंगी। ओके ओके जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो ठीक है मैं रखती हूँ अभी, यहाँ सब कुछ फैला हुआ पड़ा है, मैं पहले सब ठीक कर लेती हूँ। ओके बेबी ठीक है चलो बाय बाय। हेलो। अरे मैडम आपका फ्लैट नंबर क्या है? हाँ भैया 309 नंबर में आना है। अच्छा ओके ओके अभी आया। हाँ जी ठीक है। ओके ओके मैडम ठीक है। हाँ जाइए। इलेक्ट्रिशियन। ओ हाँ आ जाइए अंदर। हाँ मैम बोलिए क्या प्रॉब्लम है? फैन एसी कुछ चल नहीं रहा है, मेन स्विच बंद है या फिर कोई और प्रॉब्लम है देखो। ठीक है मैम मैं देख लेता हूँ। वैसे मेन स्विच है कहाँ पे? वो उधर। ओके मैम मैं देख लेता हूँ। मैडम ये पहले चल रहा था या अभी हुआ ऐसा? मुझे पता नहीं, मैं तो बस अभी शिफ्ट हुई हूँ। मैंने देखा अब तो सब बंद मिला मुझे। आज ही शिफ्ट हुए हो आप? ओके मैम मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और से होगी। यही वाला एसी ना? हाँ यही वाला। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ राज। हाँ बेबी वो लाइट रिपेयरिंग वाला आ गया? हाँ इलेक्ट्रिशियन आ गया है। और ऐसे भी चेक कर लेना एक बार। हॉल वाला एसी तो ठीक हो गया है, अंदर वाला चेक कर रहे हैं। अच्छा बेबी मेरा एटीएम तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ
हाँ तो आपको जब भी जरूरत पड़े उस एटीएम से पैसे निकाल लेना। हाँ मैम, वो एसी मैंने ठीक कर दिया मैम। अच्छा हो गया? जी मैम। अच्छा राज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हो भी गया? जी मैम, सारा सब कुछ चेक कर लिया मैम, सब कुछ ठीक से ही चल रहा है। अच्छा ठीक है। ओके मैम, मैं चलूँ? हाँ जी। ओके ठीक है। अच्छा तुम पेमेंट ऑनलाइन लोगे या कैश? मैम ऑनलाइन भी चलेगा। तो क्या पेटीएम, फोन पे, क्या करूँ बताओ? मैम गूगल पे, इसी नंबर पे जो आपके पास है। ठीक है फिर मैं गूगल पे कर देती हूँ। ओके मैम ठीक है। ओके थैंक यू। यूर वेलकम मैम। अच्छा सुनो। जी मैम। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या ढाबा है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो यहाँ पे तो नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मुझे खाना बनाना नहीं है क्योंकि अभी अरेंजमेंट्स नहीं हुआ है, आज ही शिफ्ट हुई हूँ इसलिए। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लूँ, बट यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवर नहीं कर रहा है। हाँ मैम, क्या है ना, ऐसी सर्विस यहाँ पे अभी तक अवेलेबल है ही नहीं। तो मतलब तुम्हारे मतलब आसपास कुछ हो, रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ और? मैम यहाँ आसपास तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जिधर मैं रहता हूँ उधर है, कहो तो मैं आपके लिए अरेंज कर दूँ। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ यार, प्लीज मेरे लिए खाना ला देना, नहीं तो आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ओके मैम, मैं शाम को यहाँ पे आते वक्त लेके आऊँगा। वैसे भी आप अकेली हो और आपको यहाँ का कुछ पता भी नहीं होगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू, वरना तो आज मैं भूखी ही रह जाती। प्लीज खाना ला देना, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। ओके मैम कोई बात नहीं। जी ओके मैम। राज तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे कोई ऑनलाइन फूड डिलीवर करने आता ही नहीं है। क्या? वो तो शुक्र है वो इलेक्ट्रीशियन भैया का, जो वो मेरे लिए खाना लेकर आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ थोड़ा सा दूर एक ढाबा है, वो वहाँ से मेरे लिए खाना लेके आ रहे हैं। तुमने पता नहीं कौन से दुनिया में घर ले लिया, वरना आज मुझे भूखा ही मरना पड़ता अगर वो इलेक्ट्रीशियन भैया नहीं होते। पर यार बहुत लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है, बट वो अभी तक भैया आए नहीं। मैं ना एक काम करती हूँ, उनको कॉल कर लेती हूँ और मैं रात को खाना वाना खा के फिर तुमको कॉल करूँगी। ठीक है? ओके बाय। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। अरे भैया कहाँ रह गए हो आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। अरे मैडम अब मुझे भूख भी इतनी तेज लगी है। मैडम थोड़ा सा काम में था तो लेट हो जाएगा। पर आपको रिटर्न भी तो जाना होगा इतनी रात में। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं मैम, प्लीज जल्दी आ जाइए, मैं बहुत वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ मैडम आप चिंता मत करिए, मैं आ जाऊंगा जल्दी। ठीक है। मैम आपका पार्सल, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे भैया कहाँ रह गए थे आप और इतना लेट कैसे हो गया आपको? एक्चुअली मैम एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो मुझे उधर जाना पड़ा और इसी चक्कर में लेट हो गया। सॉरी मैम, मेरे कारण आपको भूखा रहना पड़ा। हाँ भैया भूख तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। और पता है मैम मुझे तो अब टेंशन भी हो रही है कि अब इतनी रात को मैं जाऊँगा कहाँ, मैं रिटर्न कैसे जाऊँगा। मतलब रिटर्न कैसे जाऊंगा, इसमें किस बात की टेंशन, क्या हुआ? मैम यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। अच्छा तो एक काम करो, तुमने वैसे भी मेरी बहुत हेल्प की है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आओ अंदर आओ, बैठते हैं कुछ सोचते हैं। ओके मैम। आप यहाँ पे बैठो, मैं खाना रख के आती हूँ।
हाँ जी, तो आप क्या कह रहे थे कि आपको जाने में तकलीफ है, रास्ता सेफ नहीं है? जी मैडम। तो मैं क्या सोच रही थी कि आज रात आप यहीं रुक जाइए। जी मैम। आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया। तो आप सोफे पे सो सकते हैं ना? हाँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आज आपने इतनी तकलीफ की, मेरी वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो इतना तो कर सकती हूँ ना मैं आपके लिए। तो ठीक है, फिर आप यहाँ सोफे पे सो जाइए, मैं रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। तो आपको सुबह जाना हो तो चले जाना, मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ओके ठीक है मैम। ठीक है, आप आराम से सो जाइए। खाना खा लिया ना आपने? हाँ मैम खा लिया मैंने। जी मैम। चलो ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट, सो जाओ तुम। गुड नाइट मैम। अब तक तो वो खाना खाके सो चुकी होगी और मेरा दवाई भी असर कर गया होगा। चल बेटा बिट्टू, जितनी जल्दी हो सके जो मिले ले और निकल यहां से, इसीलिए तो इतना मेहनत किया है मैंने। अरे मेरा फोन, अरे मेरा पर्स भी नहीं है।
दरवाजा भी खुला है। भैया कहीं वो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया तो नहीं लेके चले गए? गॉड, यार कितनी गंदी है ये दुनिया। किसी पे भरोसा करो तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन वाले भैया ही मेरा सब सामान लेकर गए हैं। अब मैं राज को किस मुंह से बताऊंगी? मुझे कितना सुनाएगा, कितना डांटेगा? मेरा फोन भी लेकर चला गया, अब मैं राज को कैसे बताऊं? पता चल गया, इस दुनिया में ना कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और राज को ये पता चले तो वो मुझे इतना सुनाएगा कि तुमने कैसे किसी अनजान पे भरोसा कर लिया। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ आ गया, इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यार मैं क्या करूं।